Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Ubaid. Aaj ye pehla tutorial hai mera. Mickey Pro mera channel hai. Aur aaj se main start kar raha hu beginners ke liye. HTML. HTML basic form banana. Form mein hum basic jitni bhi types hai input ki wo dekhenge aur ek form complete banayenge. To basically sabse pehle hame form banane ke liye two main requirement hai. First ye ki hamare paas exam hona chahiye. Exam mean ke application exam, jisko hum start karenge tab hi hum kar sakte hain run. Or the second one is hame sublime text, mean ke jahan pe humne jitni bhi text form mein jo kuch bhi humne write karna hai wo ek sublime mein karna hai. Mean ke hum kuch aur bhi le sakte hain sublime ke alawa bhi, jahan pe hum apni coding wagaira likhe html se related. उसके लिए बहुत से दूसरे भी प्लेटफॉर्म हैं. सबसे पहले हमें जैम स्टार्ट करना है, तो जैम हमारे पास होना लाजमी है. अगर आपके पास जैम नहीं है तो आप उसको डाउनलोड वगैरह करें और उसको इंस्टॉल करें और देन उस मीन के उसी से रिलेटेड हमें हेल्प मिलेगी. तो सिंपली आपके पास इस तरह का जैम आपने जब ओपन करना है तो इस तरह का उसका स्क्रीन होगी. तो आपने पहले उसे स्टार्ट करना है. स्टार्ट करेंगे तो तब ही आपका कंप्लीट एक प्रोसीजर रन होगा. तो सेकंड हमारे पास क्या है कि हमें सबलाइम टेक्स्ट, क्योंकि मैंने सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड किया हुआ है, अगर आपको मीन के डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्ट गूगल से ही डाउनलोड कर लें. तो मेरे पास तो डाउनलोड हुआ हुआ है. तो आपने सिंपल यहाँ पर जाना है और ये विंडो 64-bit पोर्टेबल वर्जन ये आपने डाउनलोड करना है तो आपका हो जाएगा. तो मैं अब डायरेक्ट आता हूँ HTML के फॉर्म पे बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए. तो सिंपली आपने सबसे पहले आपने यहाँ पर एग्ज़ाम मीन के आप जो जिस फाइल के अंदर जहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है आपने वो ओपन करना है. और मेरे पास ये है और वहाँ पर जाना है आपने डायरेक्ट htdocs पे, क्योंकि आपने htdocs के अंदर ही जाकर आपने फाइल सेव करनी है. फाइल सेव करने के बाद तब ही आप HTML पे वर्क कर सकते हैं. ये एक सिंपल और इजी वे है. आपने सिंपल यहाँ पर क्या किया कि एक फोल्डर बनाया, और मैं इसको एक फोल्डर बनाता हूँ किसके नाम से, मिकी के नाम से. ये मिकी के नाम से बनाया और उसी के अंदर मैं एक T1 के नाम से क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ HTML की. तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप सपोज बनाते हो कोई भी फाइल htdocs और उस फोल्डर के अंदर, तो आपने व्यू पे जाके फाइल नेम एक्सटेंशन लाजमी कर लेना है. ये चीज़ ये आपने लाजमी उसको देखनी है. तो ये हमने कर लिया. तो हम अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है कि आपने वहाँ पर जाकर इसी फाइल के अंदर आपने एक T1 के नाम से HTML एक फ़ाइल बना ली. ओके. तो जब आप सिंपल इसको ओपन करेंगे तो ओपन विथ सबलाइम टेक्स्ट के नाम से इसे ओपन कर लें जब आपने डाउनलोड कर लिया होगा. अदरवाइज आप इसमें नोट पैड भी होता है, इसमें डिफरेंट एप्लीकेशन है जिस पे आप HTML वर्क कर सकते हैं. तो अगर आपको सिंपल पता है कि किस तरह हमने ओपन करनी है, किस तरह हमने सेव फाइल करनी है, तो उसके बाद ही आप डायरेक्ट आप वर्किंग कंडीशन पर हैं. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म बनाना. तो सबसे पहले एक प्रॉपर हमें पता होना चाहिए HTML का टेक्स्ट बॉडी या HTML लिखते हैं तो उसके लिए हमने क्या लिखना है. सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप, हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप है HTML, इसको हमने क्लोज किया. और उसके बाद हमने HT इसमें, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आप सपोज राइट करते हैं तो आपके पास पूरा एक फॉर्मेट और मेन्यू समीन के बना बनाया आ जाता है. तो मैं अभी लिखता हूँ, इसे यूज़ नहीं करता कंप्लीट को. तो HTML स्टार्ट एंड यहाँ पर टाइटल, ये बेसिकली फॉर बिगनर्स के लिए है. जो बिगनर्स हैं बिल्कुल, जिन्हें कुछ भी नहीं पता कि हमने किस तरह बनाना है फॉर्म या क्या चीज़ होती है HTML, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है. और इस तरह हमने टाइटल, तो ये टाइटल क्लोज हो गया. तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बॉडी आ जाएगी. ओके, बॉडी यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लोज हो गई.
और एट द एंड हमने क्या करना है, html को क्लोज करना है, सो html भी क्लोज। अब हम इसमें सिंपल एक फॉर्म बनाते हैं बगैर किसी बूटस्ट्रैप यूज़ किए हुए या css यूज़ किए हुए। ये सिंपल वे मीन के किस तरह हम एक फॉर्म बनाएं और html में। फिर मैं फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँगा, इसमें मैं फर्दर बताऊँगा कि एक पेज से दूसरे पेज पर किस तरह वैल्यूज़ मीन के ट्रांसफ़र करते हैं या किस तरह वैल्यूज़ जाती हैं, वो एक अलग कंडीशन है। तो ये सिंपल मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊँगा कि हमने एक फॉर्म बनाया, सिंपल सा फॉर्म जिसमें हम यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे, कोई भी यूज़र है तो हम उसे एक सिंपल सा फॉर्म मीन के हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म इस तरह लिखें, तो हमारे पास इस तरह का फॉर्म आपने ओपन किया और क्लोज़ किया, और फॉर्म में के साथ हम सिर्फ दो चीज़ें लिखते हैं, एक तो एक्शन होता है, सपोज़ आप किस जो आपकी जितनी भी वैल्यूज़ आपने ली हैं तो आप वो किस पेज पर लेके जाना चाहते हैं उस पेज का नाम लिख दें, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ नहीं देते वो इसी पेज पर रिटर्न होके आएगा। और नेक्स्ट आपके क्या पास क्या चीज़ है, मैथड, आपने सपोज़ मैथड लिखा तो मैथड से क्या होगा, इसमें टू टाइप्स हैं मैथड की, एक गेट है और एक पोस्ट है। पोस्ट से आपका क्या होगा कि आपने अगर सपोज जितनी भी फॉर्म में वैल्यूज़ ली हैं तो वो अगर आप किसी पर सेंड करते हैं, मीन कि किसी दूसरे पेज पर सेंड करते हैं, तो उससे क्या होगा, जितनी भी आपने वैल्यूज़ ली होंगी वो उसके यूआरएल पे हाइड हो जाएंगी। मीन कि जो ऊपर होता है ना यूआरएल का जो मीन कि होता है जो यूआरएल जो आप सर्चिंग वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं तो वहाँ से हाइड हो जाएगी, अदरवाइज़ आप गेट यूज़ करते हैं तो वो ऊपर शो हो रही होंगी। सिंपल से बस ये कॉन्सेप्ट है इसका, एक्शन एंड मेथड का। तो ये अब जब हम पीएचपी के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर ज़्यादातर हम ये एक्शन यूज़ करते हैं या मेथड यूज़ करते हैं, फ़िलहाल हम इसको नहीं देखते, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जब इसको चेक करेंगे फर्दर। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इसमें फर्दर फिर फॉर्म में हमारे पास इनपुट टाइप्स आ जाती हैं ना, इस फॉर्म में हमने डिफरेंट इनपुट टाइप्स लेनी होती हैं, जिस तरह के सपोज अगर हम नेम लेते हैं तो उसके लिए हमें टेक्स्ट की इनपुट लेनी पड़ेगी और सॉरी टाइप लेनी पड़ेगी। हम स्टार्ट करता हूँ इनपुट, सपोज इनपुट है इसके लिए टाइप है, टाइप आप मीन के क्या रखना चाहते हैं, आप नेम है तो उसको टेक्स्ट में लेंगे, अगर तो एज है तो नंबर में लेंगे, और अगर ईमेल है तो उसको ईमेल में लेंगे। इस तरह आपने अगर कोई रेडियो वगैरह बटन इस तरह बनाने हैं तो आपने सिलेक्शन तो वो भी इस तरह होता है, और चेक चेक बॉक्स भी इनपुट टाइप है। इस तरह एट द एंड में हमारे पास जो है जो हम इस फॉर्म में यूज़ करेंगे वो सबमिट बटन भी होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्योंकि हमने नेम करना है तो हम इसमें टेक्स्ट करते हैं लिखते हैं, और अदरवाइज़ आप कोई भी इनपुट से पहले आपने सपोज अगर नेम लेना है तो आप या तो लेबल लिख सकते हैं, अदरवाइज़ सिंपल आप नेम ही यहाँ पे लिख दें नेम। और ये मैं मेरी कोशिश यही है कि इस वीडियो में आपको सिंपल वे में बता सकूँ कि किस तरह एक फॉर्म हम सिंपल वे में बना सकते हैं, अदरवाइज़ अगर मैं सही मीन कि प्रॉपर अगर करके बताऊं तो वो फिर एक अलग चीज़ है। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि एक सिंपल फॉर्म मीन कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं और इसमें किस तरह बनते हैं सिंपल यूज बिगनर्स के लिए, जो भी आप इस न्यू फील्ड में आए एचटीएमएल जो सीख रहे हैं। ओके टेक्स्ट नेम, आप नेम आप क्यों रखते हैं, टेक्स्ट तो मैंने बता दिया कि आप सपोज अगर नेम सेव करना चाहते हो तो आप जो यूज़र्स लेंगे वो टेक्स्ट की फॉर्म में लेंगे, इस तरह अगर ए सेव करना चाहते हो तो नंबर की फॉर्म में, ईमेल सेव करना चाहते हो तो ईमेल की फॉर्म में, इस तरह अगर आप सबमिट करना चाहते हो तो टाइप आपके पास क्या होगी, सबमिट होगी। तो अब नेम नेम अब जो हम लेते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एक वेरिएबल सपोज कह सकते हैं कि वो नेम होगा, मीन के वो एज अ रिप्रेजेंट करेगी जो भी आपने सेव की होगी। तो मैं आपके नेम क्या लेता हूँ, ये नेम को मैं नेम ही लेता हूँ क्योंकि आपने नेम ही सेव करना है। और एक और चीज़ है कि प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर हम क्यों लेते हैं, सपोज हमारे पास कोई भी ब्रैकेट है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि नेम लेना है या आपने एज लेनी है उस बॉक्स के अंदर जब आप इनपुट करने से पहले, तो अभी मैं इसके अंदर नेम ही लेता हूँ। ओके तो इसी तरह हम दोबारा से इनपुट टाइप, ये देखें इसमें आपको फर्दर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती तो इसलिए मैंने सब लाइन टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है। तो ये मीन के आपको इजी एक रिक्वायरमेंट देता है कि इजीली आप इसको इस पे वर्क कर सकते हैं। अब मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे नंबर लेता हूँ क्योंकि अब मैंने इसमें एज लेनी है, तो ये मैं नंबर हो गया
और नेम जो है मैं एज रखूँगा, क्योंकि ये एज है। इस तरह फर्स्ट नेम था, सेकंड एज थी, और इस तरह प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर मेरे पास क्या होगा, एज ही होगा। अब अच्छा चलें, अभी हम इसको चेक करते हैं कि वाकई ही क्या ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे मैं जाता हूँ सबसे पहले, आपने यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से, अब मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूँगा, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट लिखा, और यहाँ पे लिखा मिकी, और मिकी जो मैंने सेव की थी फाइल, ये अब लोकल होस्ट जो मेरे पास सर्वर है, मिकी जो मेरे पास फोल्डर है, और फिर फॉरवर्ड स्लैश एट द एंड मैंने लिखा t1.html, tm.html, t1.html, सॉरी क्या मसला हो गया, एक मिनट। जी तो इसको हमने सिंपल, अब देखें ये मैंने किया फॉर्म एक, तो अब मुझे जाना है ना इधर, सिंपल हमने लोकल होस्ट इस पर लिखना है, लोकल होस्ट, और ये पूरा पाथ देना है मिकी t1 और ht. मीन के मिकी मेरे पास फोल्डर होगा, और फॉरवर्ड स्लैश और t1.html ये फाइल का नेम है। तो आपने ये सिंपल बनाया, नेम इज इक्वल टू एज। अब ये जो है, ये जो बीच में आ रहा है, इसकी जो नेम इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये प्लेस होल्डर है, मीन कि प्लेस होल्डर इसकी जगह वैसे क्या चीज़ आए, इस तरह एज आ रहा है प्लेस होल्डर, और नेम जो हमने लिखा था इनपुट के ऊपर। तो अब हम इस तरह, तो ये हमारे पास नेम एज, इस तरह हम क्या लें और ईमेल भी लेते हैं, और ईमेल लिया, और यहाँ पर हमने दोबारा से इनपुट लिखा, और इनपुट अब टाइप मुझे क्या लेनी पड़ेगी, ईमेल लेनी पड़ेगी। सिंपल मैंने ईमेल लिया, और नेम मैं क्या लूँ, ईमेल, और नेम मैंने ईमेल लिया, और प्लेस होल्डर भी ईमेल ही लेते हैं। ये प्लेस होल्डर मैं क्यों ले रहा हूँ, जो उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ आता है वो प्लेस होल्डर होता है, अदरवाइज़ की कोई ऐसी वैल्यू या ज़रूरत नहीं होती। ओके अब मैं बात क्या करता हूँ इसकी जेंडर की, तो जेंडर जो होता है वो रेडियो बटन होते हैं, तो रेडियो बटन अब हम इसमें यूज़ करते हैं। तो चलें पहले इसको हम एक दफ़ा प्रॉपर सेव सेव करें, और अब इसको दोबारा से हम रन करें, तो रिफ़्रेश किया, तो ये अब ये एक लाइन में आ रहे हैं, जबकि मुझे क्या चाहिए कि नेम, फिर एज, और फिर ईमेल, स्टेप बाय स्टेप एक एक मीन के कंप्लीट सीक्वेंस वाइज हो। तो इसमें मैं सिंपल क्या लगा दूंगा, ब्रेक लगा दूंगा, तो ब्रेक के लिए मुझे सिर्फ बी आर, और ये हो गया इसी तरह बी आर ये, और इस तरह बी आर लिया ये। ओके नेक्स्ट, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ इसमें, रेडियो बटन यूज़ करता हूँ मीन के जेंडर के लिए। तो जेंडर के लिए जी यार लिखा, और नीचे मैं क्या देता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मैं रेडियो, एंड नेम इज इक्वल टू फर्स्ट में मेल, सॉरी NDER, इसमें हम वैल्यू जो देंगे वो वैल्यू मीन के वैल्यू हम क्यों, ये तो नेम का तो आपको पता चल गया होगा, वैल्यू हम क्यों देते हैं, वैल्यू जब हम कोई फिक्स कर देते हैं, एक अगर सपोज ये सिलेक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास मेल आए, और इसी तरह इसके अगेंस्ट मेल आए, और इसके अगेंस्ट फीमेल स्टोर होनी चाहिए, या इसके अगेंस्ट अदर स्टोर होनी चाहिए, तो उसके लिए अब हम यूज़ करते हैं इसको। सिंपल कॉपी करें, क्योंकि हमारे पास बाकी जो है वो सिर्फ इसमें हमने फीमेल करनी है वैल्यू,
और यहाँ पर जेंडर हमने फीमेल, और लास्ट वन हम अदर कर देते हैं। इनपुट नेम इज इक्वल टू रेडियो एंड दिस वन इज द सेम, जी एन डी का जेंडर कर दिया, और लास्ट में हमने वैल्यू लगा दी, वैल्यू होगी और ये अदर के लिए। ओके ओके सो तो अभी सिंपल इसके आगे मैंने क्या लिखना है, मेल लिख देता हूँ, क्योंकि जो हमारे पास ये रेडियो का बटन होगा उससे आगे भी तो कुछ नज़र आना चाहिए ना। तो ब्रेक, इसी तरह फीमेल, और ये ब्रेक आ गया, मीन कि ये बी आर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रेक के लिए, मीन कि नेक्स्ट लाइन पे ये क्या कर देगा, तो इसको ब्रेक कर देगा। तो इसी तरह इसके आगे बी आर और ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे मैं अदर लिख देता हूँ। ओके तो अब हम इसे चेक करते हैं सेव करके, तो सेव हमने किया, और यहाँ से अब हमने ये चेक किया, ये चेक करें नेम, एज, ईमेल, जेंडर, मेल, फीमेल, अदर। तो आप सपोज अगर मेल पे क्लिक करते हैं तो मेल होगा, फीमेल पे फीमेल होगा, अदर पे अदर होगा। अब ये जेंडर है, अब मीन के जो मेल जेंडर के नीचे अगर लाएं तो सिंपल हम इसमें क्या चीज़ करें कि ब्रेक लगा दें, तो यहाँ पर ब्रेक लगानी है, तो जेंडर के साथ ब्रेक, तो ब्रेक लग गई। ओके तो इसके आगे हम अब चेक बॉक्स की बात करते हैं, तो चेक बॉक्स के लिए मैं कुछ भी लिखता हूँ, सपोज मैं इसके लिए चेक बॉक्स ही लिख देता हूँ। ओके तो ये मैंने किया, और इसमें जो इनपुट टाइप हम लेंगे वो चेक बॉक्स होगी, चेक बॉक्स एंड नेम इज़ इक्वल टू, सपोज मैं या तो मैं करता हूँ कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, या मोबाइल आप यूज़ करते हैं या लैपटॉप, अगर तो आप सिर्फ मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल पे सिलेक्ट करें, अदरवाइज़ दोनों आपके पास मीन के आप दोनों सिलेक्ट करें, तो उसके लिए फिर इस तरह का फॉर्म में जब रिक्वायरमेंट होती है तो हम किस तरह वो बनाते हैं चेक बॉक्स भी। तो बेसिकली हमारी जो मेन फोकस है वो इस चीज़ पर है। तो नेम मैं लेता हूँ मोबाइल, ओके और मैं जो वैल्यू लूँगा वो भी मोबाइल ही लेता हूँ, या एम ओ बी कह देता हूँ। ओके और सही है, और मैं इसके बाद लिख देता हूँ आई हैव अ मोबाइल, या मोबाइल सेफ लिख देता हूँ, और ब्रेक। इसी तरह सारे का सारा कॉपी करते हैं यहाँ से, लिख देते हैं। ओके और कंट्रोल वी किया, और चेक बॉक्स, और यहाँ पे मोबाइल पे मोबाइल की जगह हम क्या लिख देते हैं नेम लैपटॉप, लैपटॉप, और हम यहाँ पे एल ए पी कर देते हैं इसको लैपटॉप की जगह, और यहाँ पर लैपटॉप लिख देते हैं। बेसिकली जो अब जो वैल्यू सेव होगी वो एक मॉब होगी और एक एल ए पी लैपटॉप होगी, ये मैंने छोटा लिख दिया है कि इनके इजी हो हमारे लिए, अदरवाइज़ आप इसको कंप्लीट भी लिखते हैं मोबाइल वैल्यू मोबाइल और लैपटॉप, यहाँ पर भी लैपटॉप। कंट्रोल एस करते हैं, और अब हम चेक करते हैं और रिफ्रेश, एक मिनट, ओके कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, नेम चेक बॉक्स, ओके सही, अभी हमने सेव नहीं किया इसे तो इसलिए ये प्रॉब्लम दे रहा है, अब सेव किया है तो अब हम रिफ्रेश करते हैं इसे, ओके चेक इट, अब ये सही मीन के कंप्लीट वर्क कर रहा है। और एंड पे हम क्या देखेंगे, एंड पे हम अब यहाँ पर लास्ट थिंग इसका सबमिट बटन, तो सबमिट बटन का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि हमने जितनी भी ये
फॉर्म मीन के फॉर्म में जितनी भी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है हमने किसी भी यूज़र से ली है, तो वो फर्दर हमने किसी डेटाबेस में सेव करना होता है, या तो हमें डेटाबेस के अंदर सेव करना होता है, तो उसके लिए हमें सबमिट बटन की रिक्वायरमेंट या ज़रूरत पड़ती है। तो इससे वो फिर फर्दर वो फिर डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे कि पीएचपी, और पीएचपी की मदद से ही हम डेटाबेस में सेव करते हैं चीज़ें, तो मीन के डेटा सेव करते हैं, तो वो एक अलग प्रोसेस है। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा फर्दर वीडियोस। अभी हम सिर्फ लास्ट इसमें हम इनपुट टाइप, और टाइप इज इक्वल अभी क्या है सबमिट, और नेम भी इसको मैं कह देता हूँ सबमिट देता हूँ, और बस मेरे ख्याल में यही काफ़ी है। और कंट्रोल एस और कंट्रोल एस और सेव कर लेते हैं, कोई मसला ना बने इसके लिए। रिफ्रेश, ओके। तो हमने सपोज नेम सेव किया, नेम हमने मिकी सेव किया, एज हमने 123 रखी, और ईमेल और जेंडर इस तरह चेक बॉक्स, मोबाइल एंड लैपटॉप बोथ एंड सबमिट। अब क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो हमेशा पोस्ट होता है, तो हमने जितनी भी चीज़ें ली हैं मीन के जितना भी डेटा लिया है यूज़र से, वो सारा इधर ऊपर शो हो रहा है। तो अगर आपने सॉरी गेट सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है, अगर आप यहाँ पे इसको पोस्ट कर दें, तो मेथड पोस्ट कर दें, तो ये ऊपर शो नहीं होगा। लेट्स चेक इट। अब हम इसे दोबारा से लेते हैं डेटा सारा, और ईमेल एंड फाइल एंड दिस एंड सबमिट। सो ये चेक करें, नेम डिफॉल्ट हो रही है, ऊपर डेटा शो नहीं हो रहा। तो ये था सिंपल, बिल्कुल बिगनर्स के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत टफ या इस तरह का कुछ बनाया, ये मैंने अभी बेसिक जो बिगनर हैं जो HTML की तरफ मीन के अभी कुछ सीखना चाहते हैं और बिल्कुल बिगनर्स हैं, और ये मैंने उनके लिए वीडियो बनाई है, और एक कोशिश की है कि मैं उनको कुछ बता सकूं। और फर्दर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि किस तरह इन ऑल वैल्यूज़ को हमने डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए मुझे PHP की मदद लाजमी चाहिए। तो नेक्स्ट पे मैं वीडियो में इंशाल्लाह PHP के रिलेशन और लिंक इसका मैं बताऊंगा कि किस तरह बनता है। सो गाइस, होपफुली कि आपने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। और बस आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं न्यू हूँ और ये मेरी पहली वीडियो है, तो आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं तब ही और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा, और उसमें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको कुछ बेहतर बता सकूं जिससे आपको बहुत सारा फायदा हो।